की जोड़ी पहुंची है मैदान की गेंद और रन आउट का मौका बन रहा था। शॉट में खड़े फील्डर से चूकी गेंद, एक रन मिल जाएगा। और मैं देख रहा हूं इस वक्त कादिर साहब जो है इजाजत ले रहे हैं मुंतजमी ने कमेटी से, जौनपुर से चल कर आए, लगातार चार चार लगाया। कल फाइनल डे है, कल आगमन होगा। और इस वक्त मैं देख रहा हूं इसी गांव के कैसे शहजादे को जिन्होंने यहां से लेकर अपने नाम के पर्चम को लहराया है। शिबली कॉलेज से पूर्व छात्र नेता जनाब हिलाल साहब का आगमन हुआ है अपने इस मौजा दुबाव में, ग्राम दुबाव में, तमाम बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए अपना बेशकीमती वक्त दे रहे हैं। शुक्रिया आपका मिस्टर हिलाल, छात्र नेता शिबली कॉलेज। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, इस टूर्नामेंट से वेलकम किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। आर्थिक अगली गेंद के साथ गति परिवर्तन के साथ आए थे और शॉट में गेंद को मिल कर लिया गया, मौका था रन आउट का। बहुत तेज गति से दोनों बल्लेबाज ने दौड़ का चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा कर लिया। इस एक के साथ अबू हमजा पठान भाई डारगंज वाले मैच का लाइव जिम्मेदारी है, यहां से पारी को आगे बढ़ानी होगी। 5+5 ओवर का यह मुकाबला, 2 ओवर पावर प्ले, क्वार्टर फाइनल मुकाबला, टूर्नामेंट मैच करता हुआ जो टीम जीतेगी पहुंचेगी अंतिम चार में। इस मरतबा अतिरिक्त उछाल मिला था और कहा जाता है चार का इशारा आएगा अंपायर का, पोल से जाकर गेंद टकराई है और चार का इशारा आ रहा है, इसीलिए कहा जाता है कभी कभी तेज गेंदबाजी नुकसान दे जाती है। और वही देखने को मिला, अतिरिक्त उछाल लेती हुई गेंद विकेट कीपर को चकमा देती हुई पहुंची थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। अकमल भाई को भी देखा जा रहा है, सुबह से लगातार जो है ग्राउंड में इस प्रांगण में देखे जा रहे हैं, आपका भी स्वागत है। इस टूर्नामेंट में चार चार लगाने के लिए जेके बिल्डिंग मटेरियल के प्रोप्राइटर ओनर कहिए जनाब अकमल साहब को देखा जा रहा है। हिलाल साहब आए हैं ढेर सारी दुआएं लेकर इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने के लिए। अगली गेंद पटकी हुई लेगी सम से बाहर, अंपायर का इशारा आ रहा है वाइड। तो अतिरिक्त रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है 7, 5+5 का मुकाबला है। असलम खान बैठे हैं, लुत्फ ले रहे हैं, मजा ले रहे हैं इस मुकाबले का। और श्री बंसराज जी, अगर कह लीजिए साबिक प्रधान दुबावा और उनके सुपुत्र वर्तमान प्रधान श्री रामनाथन जी जुड़े हैं इस टूर्नामेंट से, स्वागत है आपका। अगली गेंद आर्क लेंथ की गेंद थी, थोड़ा सा जो है चूके थे गेंदबाज, मौका मिला बल्लेबाज को, भेजा कौ कॉर्नर के बाहर 6 रन के लिए। पहली पारी से पहला छक्का लगता हुआ और छक्के के साथ स्कोर कार्ड दहाई के आंकड़े को छूता हुआ जा पहुंचा है 13 रन। अंतिम गेंद की हिदायत दिया जा रहा है अंपायर साहब के जरिए, अपील हो रही है उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम, और अंपायर ने पूरी तरह से इस अपील को नकार दिया है और कहा कि अपील उत्साह में हो सकती है विश्वास में नहीं। पहले ओवर का ऐलान, 1 ओवर के बाद बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड है जमशेदपुर का 13। मंत्रणा चल रही है, विचार विमर्श किया जा रहा है कि गेंदबाज को दूसरे ओवर की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये देखा जाएगा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए खेलता अफसर को बुलाया गया है, पावर प्ले का ये अंतिम ओवर है। 5+5 ओवर का मुकाबला, जो लगातार तेज हवाएं आ रही थी, थोड़ा सा मध्यम हो रही है, लेकिन ये तिरंगा लहरा रहा है, अमन वफा का पैगाम दे रहा है। और इस टूर्नामेंट में मिस्टर मोहतसिम खान फ्राम बकरा, अनुप जायसवाल, फुलपुर नौशाद आलम का मुकाबला कल देखने को मिल सकता है। बिल्डिंग मटेरियल के प्रोप्राइटर ओनर अकमल साहब, असलम खान दुबावा समाज से भी पूर्व महाप्रधान पद प्रत्याशी कह लीजिए, तमाम लोगों का ढेर सारा ताउन और साथ ही साथ अहम योगदान श्री राम लखन प्रधान दुबावा जी का। अगली गेंद की थी, मात्र गेंद की लाइन में बल्ले को लाया आया और जब तक शॉट कवर पर खुद गेंदबाज आकर गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज में रन लेने का कोई मनसूबा नहीं, इरादा नहीं। स्कोर कार्ड अभी भी रुका है 13 के स्कोर पर। जिस तरह से अलाउद्दीन पट्टी के दोनों सलामी बल्लेबाज ने 10 गेंद पर 72 रन बनाकर चोरसन को आउट ऑफ द टूर्नामेंट किया, आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह की बल्लेबाजी रही होगी। एक और खूबसूरत शॉट जमीन की सतह के ऊपर से, एक रन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़ किया, इसी को कहते हैं असल में रन चुराना। आपने क्रिकेट कॉमेंट
मंत्री के दरमियान बहुत बार सुना होगा कि रन चुराया, इसी को असल में रन चुराना कहते हैं। जहां पर एक रन अलाउद्दीन पट्टी चाहिए वहां पर आंखों ही आंखों में इशारा किया, दो रन दौड़ कर पूरा किया। असल अगली गेंद के साथ तैयार पटकी हुई गेंद घूम कर खेलने का प्रयास था, हवा में तैर रही है गेंद, नीचे आ रहा है फील्डर और जाना होगा बल्लेबाज आखिर को वापस। माफ कीजिएगा आखिर अब निकले हैं बल्लेबाजी करने के लिए और ये मेरे ख्याल से बल्लेबाज हाकिम थे शायद, थोड़ा सा जो है पहचानने में असफल हूँ इसलिए क्योंकि ये कमेंट्री का मेरा पहला सीजन है और इस सीजन में अगर ग्राम सभा की बात की जाए तो बहुत कम टूर्नामेंट खेली है टीम दाउदपुर, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है और शक्ल से बहुत अच्छी तरह पहचानता हूँ कि ये सीनियर खिलाड़ी है। आखिर निकले हैं बल्ला लेकर आखिर स्ट्राइक वाले छोर पर है और पहले ओवर के बाद मैं देख रहा हूँ असफल के हाथ में जिम्मेदारी है, सफलता मिली है दूसरे ओवर में और स्कोर कार्ड मात्र 15 रन शो कर रहा है। जो दर्शक लाइव के जरिए जुड़े हैं उनको बता दूं कल इस टूर्नामेंट का मेगा फिनाले होगा, कल फाइनल डे होगा और हिलाल साहब को देखा जा रहा है, जुड़ चुके हैं पूर्व छात्र नेता शिवरी कॉलेज आसमगढ़, इसी गांव का शहजादा हिलाल के लिए मैं कहूंगा बस इतना कह दो कि बुलंदी में मेरे शामिल है सबके प्यार का जज्बा, हिलाल भाई बुलंदी में मेरे शामिल है सबके प्यार का जज्बा, ऐ मेरे गांव की मिट्टी मेरी पहचान तुझसे है। इसी मिट्टी का वो नौजवान जो पूरे पूर्व जवान में अपने नाम के परचम को लहराया है लेकिन इस टूर्नामेंट को दुआएं दे रहे हैं हाजी मोहम्मद शिक्षा और साथ में कुछ और बुजुर्ग शख्सियत में देख रहा हूँ यहाँ पर जलवा फरोज है, तमाम लोगों का स्वागत जो दूर दराज से चलकर आए हैं इस मुकाबले को देखने के लिए। अस्पर अगली किस्त के साथ तैयार और घूम कर खेलने का प्रयास था, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं और जब तक गेंद फील्ड होती शॉर्ट स्क्वायर लेग पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन मुकम्मल कर लिया, इस एक के साथ स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 17। इस तरह की बल्लेबाजी आपको ऐसी खाई में ले जाएगी जहां से उभर पाना मुश्किल होगा। टीम दाउदपुर कीपरों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, पर खोलने होंगे और एक लंबी उड़ान भरनी होगी अगर इस मुकाबले में बने रहना है। अस्पर ने कहा जी नहीं ये नहीं होने देंगे और नो का इशारा आ रहा है लेग अंपायर का, क्यों आया किस लिए आया, ओवर स्टेपिंग जी हाँ माफी चाहता हूँ थोड़ा सा जो है निगाहें देर से पड़ी, ओवर स्टेपिंग कर बैठे थे गेंदबाज अस्पर और नो करार दिया गया तो एक मौका मिला है फ्री हिट होगी बल्लेबाज आखिर को गोल्डन चांस सुनहरा अवसर मिला है, इतना फायदा मिलेगा ये आने वाला वक्त तय करेगा। श्री राम लखन दिनकर जी वर्तमान प्रधान दुबावा मुस्कुरा रहे हैं। भाई अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि मंजीर पट्टी का मुकाबला कल देखने को मिलेगा, भाई सिर्फ वही मेरा जवाब है मंजीर पट्टी का मुकाबला कल देखने को मिलेगा या फिर कोई जरूरत हो हर वक्त कल जैसे कल मिलाकर खड़े रहते हैं। एक और आप स्टंप के बाहर वाइड का इशारा, फ्री हिट अभी भी बरकरार है, आज के दिन का ये लास्ट मुकाबला है मेरे बड़े भाई आखिर के पास गोल्डन चांस है, आप समझ सकते हैं कि मंजीर पट्टी कल खेलेगा अभी भी सुनहरा मौका है। तैयार अस्पर अगली गेंद के साथ फ्री हिट वाली गेंद के साथ फिर से क्या आप इस के बहुत ज्यादा बाहर है, जी हाँ अंपायर अबू अम्मार का इशारा वाइड और एक एक रन के साथ दो रन मिल जाएगा माफ कीजिए लेग बाई की शक्ल में दो के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा 21। फ्री हिट अभी भी बरकरार है, फ्री हिट अभी भी बरकरार है, क्या इस फ्री हिट को बचाने के चक्कर में चार पांच वाइट होगी, दो वाइट हुई है अब अगली गेंद के साथ तैयार है, फ्री हिट अभी भी कायम है दायम है, क्या फायदा मिलेगा बल्लेबाज को, घूम कर खेला है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद जा रही है और चली जाएगी बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, चार रन लीजिए ओवर का ऐलान, दो ओवर के बाद एक विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड है 25। कल फाइनल मुकाबला खेला जाएगा और बाकी रह गया है 18 गेंद पर कितने रन पल पाते हैं और 18 गेंद पर 35 से 40 रन आ गया कल हो सकता है
देखने को मिले। दो मुकाबले जीत कर कल तीसरे मुकाबले को खेलेगी अलाउद्दीन पट्टी की टीम। अगर बात की जाए रही है कल जो सेकंड राउंड देखा जाएगा थर्ड राउंड का मुकाबला खेलने वाले हैं वो है आज उसके खिलाफ केकेआर मुकाबले में अपने नाम को क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। हवा में चला है फेस आसमान की तरफ ये जा रही है कॉर्नर के ऊपर से 6 रन का इशारा सारी टीमें हैं और इसी कल के मुकाबला खेले स्कोर कार्ड क्या पहुंचा है 31 रन और सिव 11 खेताफ राय भी कल मुकाबला खेलेगी केकेआर भी खेलेगी अलाउद्दीन पट्टी एक का मुकाबला कल देखने को मिल सकता है। कल देखने को मिल सकता है कल कंफर्म है कि अलाउद्दीन पट्टी बल्लेबाज के शक में नमूदार हुए थे बहुत लंबी पारी नहीं खेल पाए एक रन जो जाएगा खाते में दाउदपुर के अमने बल्लेबाज जा रहे हैं नए बल्लेबाज का नाम बता दे खामोश क्रिकेट सूरज ढलान की तरफ ढलती हुई शाम के साथ कौन घर जाएगा कौन रह जाएगा इसका फैसला होना बाकी है। चल ठीक है बॉलिंग है अगली गेंद बॉल है यार बॉल इस बार सवा बॉडी को निशाना बनाया था आखिर के पेट से जाकर टकराई गेंद रन लेने का कोई इरादा नहीं पावर प्ले जो आन था वो पूरी तरह से दो ओवर के बाद समाप्त हो चुका है। 5 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री सीमा रेखा के करीब देखे जा रहे हैं। अरसलान भाई आपकी बात एक लांगर एक लांगर एक कॉर्नर एक विकेट ये 5 खिलाड़ी सीमा रेखा से बिल्कुल सटे हुए हैं अगली गेंद के साथ तैयार तो पूरी है भाई आदिप की एक और गेट काट कर आया बल्लेबाज मुकाबले में देखते हैं क्या होता है कौन सी टीम कल आए जो लोग लाइव मुकाबले को देख रहे हैं तमाम लोगों का स्वागत है इस दुबावा के प्रांगण में इस दुबावा के खेल के मैदान में स्वागत कर रहा हूं मैं अगली गेंद फिर से घूम कर खेलने का प्रयास लगातार ऐसा लग रहा है गेंदबाज आतिफ पूरी तरह से जो है बल्लेबाज की कमजोरियों को भांप लिया है पढ़ लिया है और एक होल तलाश के आउट की होल में गेंद करवा रहे हैं। अंतिम गेंद की हिदायत दी जा रही है बल्लेबाज आखिर को तीसरा ओवर कुल मिलाकर पारी का जारी है अगली गेंद इस पर तमाम बल्ला चला है हवा में इस ओवर के स्थान पर कैच कर लिए जाएंगे बल्लेबाज आखिर की पारी समाप्त होती हुई ओवर का ऐलान 3 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड है 32। अब यहां से 12 गेंद पर कितने रन बनेगा ये आने वाला वक्त करेगा। अब मास जा रहे हैं नए बल्लेबाज बेहतरीन ये गेंदबाज है सर्किल में इनकी गेंदबाजी जो है देखने के लायक होती है क्या आज बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया है बल्लेबाजी अच्छी करेंगे देखा जाएगा। चौथे ओवर की गेंदबाजी के लिए अस्कर को बुलाया गया है पवेलियन वाले छोर से कीपर चेंज एम्पायर पर तैयार पवेलियन वाले छोर से चले दौड़ना स्टार्ट किया विकेट पर पहुंचे गेंद करेंगे और इस पर तबाह ये जा रही है शॉट हेड में पर और क्या खूबसूरत स्टंपिंग देखने को मिली है जब तक शॉट हेड में से थ्रू आता अपने हाथ से गेंद को दिशा दिया था हसान ने गेंद टकराई जरूर थी स्टंप पर लेकिन मार पूरी तरह से सुरक्षित अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। छात्र नेता शिवली काले आजमगढ़ जनाब हिलाल साहब का आगमन हुआ है इस टूर्नामेंट से जुड़े हैं ढेर सारी दुआएं लेकर आए हैं इस टूर्नामेंट के लिए। असलम साहब की जितनी भी तारीफ की जाए कम है जितना कुछ कह दिया जाए कम है इस टूर्नामेंट
टूर्नामेंट में चार चांद लगवाने के लिए अहम योगदान रहा है, तो वो असलम खान दुबावा का रहा है। और साथ ही साथ श्री राम मोहन जी 33 या 34 रन बने हैं योगदान रहा है। हाफिज मोहम्मद खान दुखा कमेंट्री सही नफियात गेंद जा रही है बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर, चली जाएगी बहुत दूर। मंगवा लीजिए एक और गेंद, मुंतजमी ने कमेटी बाउंड्री के बाहर से और छक्का बल्लेबाज के बल्ले से निकला है। स्कोर कार्ड इस छक्के के साथ जा पहुंचा है 40 रन। नाउ स्कोर 40 लॉस ऑफ 3 विकेट 3 ओवर कंप्लीटेड 4 ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर अकबर बेहतरीन। ये यहां पर खेल जारी है इस DPL कप का, दुबावा प्रीमियर लीग का ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला चलता हुआ दो टीमों के साथ। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, खेला है फील्डर मौजूद, लीजिए आसान सा कैच लपक लिया जाएगा। एक और बल्लेबाज के पारी का अंत हो रहा है, हुज़ैफ़ा भाई को देखा जा रहा है। आपका भी स्वागत है, वेलकम है इस प्रांगण में, खेल के मैदान में। एक ऐसा चेहरा जो बिल्कुल हफ्ता मुस्कुराता खिलखिलाता रहता है और अपने कल्ब में जज्बा भी रखते हैं। एक जंगल भाई चालू हो गया होगा या खत्म हो रहा है इस मैदान से जुड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ निजामुद्दीन भाई राम बखरा आपका भी स्वागत किया जा रहा है। आकिब राम माहौल लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव फेसबुक पेज के जरिए लाइव प्रसारण किया जा रहा है। अयान खान भाई तैयार हो रहे हैं, पहले मेरी बात को समझ लीजिएगा। मेरा घर माहौल है और मैं इस वक्त दुबामा बैठा हुआ लाइव चला रहा हूँ। यहाँ 27 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं यहाँ पे लाइव चला रहा हूँ और वहाँ के दंगल के बारे में भाई मुझे जानकारी नहीं है। आज कल हुआ है, आज भी होगा। मैं आप लोगों के लिए यहाँ तक चला है, मैं दंगल के लिए चाहता तो मना कर देता कि भाई आ नहीं सकता, लेकिन आप लोगों को मैच लाइव दिखाने के लिए यहाँ तक मैं आया हूँ। तो भाई मुझे जानकारी नहीं है कि दंगल में अभी क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है, ऐसी मुझे कोई जानकारी। बहुत सारे लोग जाम पहे हुए, मैं तमाम लोगों के लिए मकसद की दुआएं करता हूँ, आप भी करिए और एक रन मिल जाएगा। बल्ले का बाहरी सिरा लेकर गेंद पहुंची है, शॉर्ट छक्के पर एक रन मिल जाएगा। इस एक के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 41 रन 41 नाउ स्कोर 41 रन बन चुके हैं। 3 ओवर कंप्लीटेड 4th ओवर प्रोग्रेस बाय मिस्टर अकबर। माफ ऑन स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक है, साथ ही बल्लेबाज फैसल अहमद भाई बता रहे हैं कि दंगल हो रहा है, तो फैसल अहमद भाई किस पेज पे लाइव दिखाया जा रहा है वो आप बता सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। जो होना चाहिए बिल्कुल क्रिकेट के अनुकूल वातावरण, व्हाइट का इशारा अब अमाल का, एक और रन मिल जाएगा अतिरिक्त के मिराज भाई जा पहुंचा है। बार बार आपका कमेंट आ रहा है, आप सवाल कर रहे हैं तो फिर से मैं आपको बता दूं, दाऊदपुर का पीछा, दाऊदपुर की टीम इस वक्त बैटिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है अलाउद्दीन पट्टी की। ये क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है, इसमें जीतने वाली टीम पहुंचेगी सेमीफाइनल पर। अगली गेंद और लीजिए, मैं चर्चा कर रहा था और उन्होंने कहा जी हाँ जरूर लगाएंगे, लगा दिया। बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद पहुंची है, 6 रन बरकरार, 4 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर टोटल स्कोर है। बहुत से लोगों ने बताया है कि कस्बा माहौल आजमगढ़ पे लाइव दिखाया जा रहा है और अरसलान आजमी भाई ने बताया है कि आप ही के चैनल पर आ रहा है, यानी कि आजमगढ़ क्रिकेट लाइव पर आप नीचे या ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपको मिल सकता है। जी भाई अभी बता रहा हूँ कमेंट्री बॉक्स पे, मैं इधर कमेंट पढ़ने लगता हूँ क्या हो रहा है वो ध्यान नहीं दिया। सुबह में ये अनाउंसमेंट किया गया था, दर्शक कोई भी बाहर से करता है तो 50 रुपए का इनाम, कमेंट का जवाब ना दो तो कुछ लोग गाली देने लगते हैं। फिर से मैं याद दिला दूं,
फिर से मैं याद दिला दूं, कोई भी दर्शक अगर बाहर से कैच पकड़ेगा तो 50 का इनाम मिलेगा। लीजिए बाएं हाथ के बल्लेबाज ने हवा में उछाला है गेंद को, गेंद नो मैन्स लैंड में नमल करती हुई एक रन पूरा दूसरे के लिए निकले हैं और लंबे लंबे कदमों से ढक भरते हुए जाएगा। दो के साथ 50 के आंकड़े को छूती हुई इस वक्त टीम का अंतिम और दिसवर की गेंदबाजी जारी है। कितने रन बनेंगे इस बची हुई 5 बताने के बाद भी आप लोग फिर वही सवाल कर रहे हैं आखिर आखिर बताया तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है और ये भी नहीं कि 2-4-5 मिनट पहले बताया तुरंत बताया सुरक्षित क्रीज में। स्कोर बता दीजिए भाई, कौन सा ओवर है भाई? ऑन पेपर मजबूत टीम दिखाई दे रही है, आखिरी ओवर चल रहा है। टीम अलाउद्दीन पट्टी, लेकिन किसी ने क्या खूब है कहा है कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हिम्मत लड़ती है तादाद से क्या होता है। हिम्मत दिखानी होगी टीम दाउदपुर को, या फिर एक कह दिया जाए बेहतरीन गेंद बेहतरीन डिलीवरी, या फिर एक कह दिया जाए कि बुलंदी देर तक की शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। क्या खतरा मंडराएगा इस बड़ी टीम के साथ, क्या कीर्तिमान स्थापित करेगा कोई इस दुबाओं के प्रांगण में, ये देखा जाएगा। तैयार अगली गेंद के साथ और इस वर्तमान मास ने क्या आसानी के साथ बल्ले को चलाया है और मैं कह रहा था कि दर्शक भी भूल चुके हैं जैसे अनाउंसमेंट किया गया 50 रुपए का इनाम दर्शक में हलचल। जो भी दर्शक बाहर से कैच पकड़ेगा 50 रुपए का इनाम अरसलान इस्लाम दुबाओं की जानी से। बहुत ही प्यारा मुकाबला और छक्के के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 57। कुल मिलाकर 4 गेंदों का खेल हो चुका है, 2 गेंदे आनी शेष है स्कोर के। तैयार गेंदबाज मास के लिए फिर से बल्ला चलाया है, 2 रन का प्रयास करेंगे, क्या 2 रन मिल जाएगा? दूसरे रन के लिए निकले हैं, कशमकश में आना होगा मास को वापस और नए बल्लेबाज को जाना होगा अंदर। 1 गेंदों का खेल बाकी है, स्कोर कार्ड है 58 रन। तमाम लोगों का स्वागत किया जा रहा है, चाहे मोहतसिम खान हो, अनूप जायसवाल जी हो, नौसाद आलम ईसापुर हो, मोहम्मद खान बखरा हो, अजुमार साहब दुबावा हो, असलम खान दुबावा हो, या फिर उनके साथ साथ पूर्व विधायक विधानसभा 350 सीटारगढ़ आदिल शेख साहब हो, या फिर पूर्व छात्र नेता शिबली कॉलेज आजमगढ़। लेकिन जमाल की क्या लाजवाब पसंद है दोस्त, कौन ले जाएगा जमाल की पसंद को अपने घर? घूम कर खेला है, फील्डर मौजूद, कैच कर लिया जाएगा। 58 के स्कोर पर पहली पारी समाप्त हो रही है। जमाल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इस नौजवान ने कहा है कि मैं अपने गांव के लोगों के साथ हूँ, मैं अपने तमाम नौनिहालों के साथ नौजवानों के साथ हूँ और दुनाई में रहते हुए उन्होंने इस टूर्नामेंट में योगदान किया है। ये योगदान जो है खूबसूरत चमचमाती हुई ट्रॉफी की शक्ल में है। 58 बनाया है, 61 का दिया है टारगेट, क्या 61 के लक्ष्य को छू पाएगी ये आने वाला वक्त तय करेगा। विकेट निकाल, विकेट वही
फलाना आजमी भाई, मेरा नाम है आकिब निजाम और 58 रन बनाई है टीम दाऊदपुर की के बल्लेबाजों ने और 59 रन का टारगेट है टीम हसन एंड कंपनी अलाउद्दीन पट्टी के सामने। तो आइए मार स्ट्राइकर बालक की शक्ल में आए हैं, पहली गेंद हवा में है, क्या कैच लपक लिया जाएगा? जी हाँ, लीजिए इसी का नाम है क्रिकेट पहली गेंद। बल्लेबाज ने पिछले मुकाबले विकेट 9 गेंदों पर अर्धशतक लगाया था, पहली गेंद पर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कौन बल्लेबाज जाएगा? अस्थल को रोका गया, नहीं बल्लेबाज को भेजा जा रहा है, नदीम जा रहे हैं। अब नदीम और हसन के ऊपर पूरा दारोमदार यहां से दिखाई दे रहा है। मास को पहली गेंद पर सफलता मिल चुकी है, आखिर इन्हें क्या लाजवाब कैच लपका विकेट के पीछे। पहली सफलता के साथ मैं देख रहा हूं थोड़ा सा हौसला बढ़ रहा है यहां पर टीम दाऊदपुर का। अगली गेंद के साथ तैयार है टीम कैप्टन दाऊदपुर मास तैयार है बॉलिंग वाले रनर्स पर। नदीम पहुंचे हैं नए बल्लेबाज, नानी स्ट्राइक पर हसन है। अगली गेंद, पहली गेंद पर शानदार सफलता मिली है। अगली गेंद पहुंचते ही नदीम ने ये जाहिर किया है, चलिए पहली बार मैदान पर पहुंचे हैं, विकेट दूसरी बार मैदान पर पहुंचे हैं तो जाहिर कर दिया है। अगली गेंद नीची थी और लगभग जो है स्टंप की तरफ जा रही थी, मौका था। बल्लेबाज नदीम ने बल्ले को चलाया, 6 रन मिल जाएगा इस 6 के साथ, स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 6 रन। शुरुआत हुई है पारी की 6 के साथ। और मेरे अस पर वार्म अप कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। अगली गेंद हवा में, नीचे फील्डर है और लाजवाब कैच। जितनी भी तारीफ की जाए इस कैच की कम है। असलम खान साहब, लाजवाब का कैच लपका गया शॉर्ट कवर पर। एक और सफलता नदीम के शक्ल में मिली है। अब नए बल्लेबाज जा रहे हैं अस पर, हसन का अहम रोल होने वाला है इस मुकाबले में, अहम भूमिका होने वाली है हसन और अकबर की। 3 गेंदों का सामना किया बल्लेबाज नदीम ने और 6 रन बनाकर वापस आ रहे हैं। इसी का नाम है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल इसीलिए कहा जाता है। इससे पहले चुरसन के खिलाफ आप ले देगा 5 ओवर में 72 की जरूरत थी, मात्र 10 गेंदों पर 72 रन बनाया उसमें। कहीं ना कहीं जो है 10 गेंदों पर 60 ही रन होते हैं, लेकिन लेग बाई और वाइड का भी रन इंक्लूड था। लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था दोनों बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक वाले छोर को संभालेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज अकबर, दाएं हाथ के बल्लेबाज हसन है नॉन स्ट्राइक पर। ये दाएं और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन मैदान पर थोड़ा सा दिक्कत करेगा अंपायर को भी और खिलाड़ियों क्षेत्र रक्षकों को भी। फील्ड में थोड़ा सा तब्दीली की जा रही है, जो खिलाड़ी दाएं हाथ के लिए शॉर्ट फाइन लेग था उसको हटा दिया गया है। एक और ऊंचा लंबा था, नीचे मार और 3 फील्डर आ रहे हैं। नो मैन्स लैंड में गेंद नमन होती हुई दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इसके के साथ स्कोर कार्ड यहां पहुंचा है 8 रन। अगर ये कैच लपक लेती दाऊदपुर अम्मार साहब तो ये मानिए पूरा मैच ही लपक, फिर बल्लेबाज हसन विवश हो जाते, मजबूर हो जाते, क्योंकि पहले 2 ऊंची चोटी के बल्लेबाज पवेलियन में आ चुके हैं।
मास जिस काम के लिए लाया गया था लगभग वो काम कर दिए हैं। स्ट्राइकर बॉलर की शक्ल में बेहतरीन गेंदबाजी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुझे याद है नियाउस के खिलाफ 9 रन बचा कर दिया था। आज इसी के दिन इसी प्रांगण में इसी खेल के मैदान में तमाम दर्शक का स्वागत है। अगली गेंद घूम कर खेलने का प्रयास था, हासिल चुके हैं। गेंद फील्ड कर ली जाएगी, एक रन के लिए निकलने का प्रयास था लेकिन साथी बल्लेबाज ने मना किया। खतरे वाला निशान था, खतरे वाले छोर पर थे, खतरा हो सकता है। और एक गेंद का खेल और बाकी है इस ओवर से। अभी तक 5 गेंदें डिलीवर हुई है और 2 सफलता जरूर मिली है। स्कोर कार्ड है 8। एक और मौका था तीसरे विकेट का लेकिन वहां पर कैच पूरी तरह से ड्रॉप हुआ था। अस्पर को जीवन दान मिला है, क्या जीवन दान का फायदा अस्पर उठाएंगे ये देखा जाएगा। अगली गेंद घूमकर फाइन लेग के ऊपर खेलने का प्रयास था, हाई लेग से टकराई है गेंद और जब तक विकेट कीपर आता गेंद को उठाता अंपायर अबु अम्मार का इशारा, ओवर का ऐलान। पहले ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर कार्ड अलाउद्दीन पट्टी का 8 रन। लो शुरुआत, धीमी शुरुआत। और वही अगर बात की जाए टीम दाऊदपुर की तो अच्छी शुरुआत है। कह दिया जाए कि मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, मिलते ही नजर तुमसे हम हो गए दीवाने, आगाज तो अच्छा है अंजाम खुदा जाने। अंजाम कैसा होगा दाऊदपुर टीम का देखा जाएगा। दूसरे ओवर की गेंदबाजी के लिए नए गेंदबाज को लाया जा रहा है और लीजेंड के कुछ खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। टीम दाऊदपुर के साथ अपने इन बच्चों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मास्क गेंदबाज का नाम बता दें, आदिल। शुक्रिया आदिल, किस तरह का अदल करते हैं, किस तरह का इंसाफ फैसला करते हैं ये आने वाला वक्त तय करेगा। आदिल के लफ्जी माने की बात की जाए तो अदल की जमा होती है और अदल के माने होते हैं इंसाफ करने वाला। किस तरह से इंसाफ करेगा ये गेंदबाज। 59 रन का टारगेट है भाई, 5 ओवर का ये मुकाबला है। 58 रन बनाई है टीम दाऊदपुर, उसी को बीट करने के लिए उतरी है टीम अलाउद्दीन पट्टी। छात्र नेता शिवली कॉलेज लीजिए हसन का बल्ला बोला है गेंद 6 रन के लिए। हसन के अंदर क्षमता है, अकेले दम पर मुकाबले को अख्तताम तक पहुंचाने की सलाहियत है। तैयार अगली गेंद के साथ इस मरतबा फिर से घूम कर खेला है डीप स्क्वायर लेग की तरफ 6 रन लगातार 2 गेंद 2 छक्का। गेंद पहुंचा दे मैदान में, गेंद मैदान में पहुंचा दे। ठीक है बाबू, फेंक बहुत से बाले निकल जाए बाबू, बहुत से बाले आदि बाले। अगली गेंद और पतवा हवा में, क्या तीसरा छक्का लगातार। जी हाँ, लगातार 3 गेंद 3 छक्का। बल्लेबाज हसन ने ये बताया है, मैंने इस बल्लेबाज के लिए कहा था फूलपुर काटा पावर हाउस के ग्राउंड पर कि उम्र कम है खेल में दम है। बेहतरीन लाजवाब बल्लेबाजी किया था और आज फिर से उसी दृश्य को दोहरा रहे हैं। लगातार बल्ले के ऊपरी सिरे में लगी थी, ये इशारा आ रहा है मेरे ख्याल से अबू अम्मार साहब का और ये काबिलियत तय करता है बल्लेबाज की। अगली गेंद के साथ तैयार, फिर से एक और खूबसूरत शॉट, लगातार 4th छक्का और जो कमी थी वो पूरी हो रही है। स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 32-61 के जवाब में, आधे से ज्यादा मैं देख रहा हूँ रन हो चुका है।
अगली गेंद के साथ तैयार है फिर से इस मर्तबा वाइड यार्कर कह सकते हैं आप बेहतरीन गेंद थी। जहां पर पहले ओवर से 8 दूसरे ओवर से 24 रन आए, दो ओवर के बाद स्कोर कार्ड है 32। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी के साथ फिर से बुलाया गया है मास को। अगर यहां से हसन का विकेट मिला तो फिर काम बनेगा दाऊदपुर की टीम को, वरना बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि बल्लेबाज हसन के अंदर क्षमता है, काबिलियत है, सलाहियत है और जाहिर किया उन्होंने, दिखाया तमाम दर्शकों को किस तरह की बल्लेबाजी की है। बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, कुछ बुजुर्ग शख्सियत भी, कुछ बुजुर्ग शख्सियत भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर तशरीफ लाई है। आपका वेलकम है, स्वागत है और आपकी दुआओं के लगातार हम तलबगार हैं। ये पूरी कमेटी इस मरतबा बल्ले का बाहरी सिरा है, थर्डमैन की तरफ जा रही है, चली जाएगी बाउंड्री सीमा रेखा के बाहर। चादर लीजिए, मंगवा लीजिए एक और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर से। इसी चार के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 36 रन। हसन की बात की जाए तो 6 गेंदों का सामना किया है अभी तक और 24 रन बनाकर नानी स्ट्राइक वाले छोर पर मौजूद है। मास तैयार अगली गेंद के साथ और इस मर्तबा ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई क्या होगी, काम नीचे फील्डर है, लीजिए कैच ड्रॉप। कैच विंदामय कहा जाता है, कैच विंदामय, आप कैच पकड़िए मैच में खुद ब खुद पकड़ बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा होता हुआ कैच ड्रॉप किया है आपने एक बल्लेबाज का और खामियाजा उठाना होगा। कुल मिलाकर पारी का तीसरा ओवर जारी है, स्कोर कार्ड है 37। 61 के जवाब में तीसरा ओवर जारी है, 37 रन बन चुके हैं। की संभवता जरूरत अब यहाँ से फील्डर नीचे आ रहा है और जाना होगा, मुश्किल दिखाई दे रही है, गिर चुका है। शमसे आलम जा रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। जी हाँ शमसे आलम, स्कोर कार्ड टोटल है 37। शमसे आलम ये दुनिया का शम्स है, ये दुनिया का सूरज है, क्या ये सूरज टीम अलाउद्दीन पट्टी में जो रोशनी फीकी पड़ रही है उसमें उजाला करेगा, बढ़ावा करेगा, ये देखा जाएगा। आज पर पहले ओवर की जोड़ी है मैदान पर, टोटल स्कोर है पहले ओवर में 2 विकेट लिए अभी भी 22 की जरूरत है, संभव तीसरा विकेट है, इसमें 1 विकेट हसन के रूप में गिरा है और 15 पर 37 बने हैं और 15 पे 22 की है जरूरत। संचालन के लिए घूम कर खेल, लेकिन मैं कहूंगा इस पास फिल्टर से गलती हो रही है। अगर ये कैच पकड़ लिया जाता, भले से चौका जाता, ऐसे मोमेंट पर रिस्क लेना चाहिए, ऐसे मोमेंट पर जोखिम लेनी चाहिए। अगर ये कैच लपक लिया जाता तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ ये मैच लपक लेती टीम दाऊदपुर। जीवन दान मिल जाएगा 1 रन के साथ, स्कोर कार्ड पहुंचा है 38। अब यहाँ से 14 गेंद और 21 रन, 14 गेंद 21 रन, मार्क्स 14 गेंद 21 रन की जरूरत है। क्या ये कुरात मिल जाएगी हमें, नीचे फील्डर लीजिए, गलतियां जहां पर विकेट होना चाहिए वहां पर 4 रन मिल रहा है, ये बैड लक तो नहीं तो क्या कहा जाएगा, ये बैट लग नहीं तो क्या कहा जाएगा टीम दाऊदपुर के लिए। 4 रन स्कोर कार्ड जा पहुंचा है 42। 17 की आवश्यकता अभी भी, 13 गेंद 17 की जरूरत अभी भी है,
13 गेंदों पर 70 रन। अब यहां से पूरी तरह से कह दूं मुकाबला अलाउद्दीन पट्टी के पक्ष में तो गलत नहीं होगा। वाइट की मांग किया था बल्लेबाज ने, पॉपिंग क्रीज से खड़े खड़े बल्ले को चलाया था और डार्ट डिलीवरी के साथ मैं देख रहा हूँ ओवर का ऐलान। अब दो ओवर के बाद 17 रन की जरूरत है 42। लेकिन जिस तरह विकेट गिरे लेजेंड के साथ टीम दाउदपुर आज के ओवर में पेश करता हूँ। तीनों विकेट गिरे हैं, बेहतरीन खेल दिखाया है, बेहतरीन खेल खेला है यहाँ पर टीम दाउदपुर ने। लेजेंड के साथ आई है, कुछ नौनिहाल बच्चे के साथ साथ कुछ नौजवान भी है, कुछ लेजेंड भी टीम का हिस्सा है। बेहतरीन खेल दिखाया है यहाँ पर। क्वार्टर फाइनल मुकाबला चल रहा है, ये डीपीएल कप है, दुबावा प्रीमियर लीग आपका स्वागत कर रहा है। ये अल्लामा शिबली नोमानी का खिताब, ये अल्लामा शिबली नोमानी के जिले का ये मौजा दुबावा। इस मिट्टी से बहुत सारे उलमा इकराम ने जन्म लिया, बहुत सारे जो है मोतबर शख्सियत ने जन्म लिया और हमारे पूर्वजवार का एक शहजादा, हमारे पूर्वजवार का एक ऐसा नाम जिन्होंने पूरी दुनिया में अपने नाम के परचम को लहराया, पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। वो नाम है कैफी आजमी, जो हमारे इसी पूर्वजवार के इलाके के रहने वाले थे और कभी किसी वक्त में उन्होंने कहा था कि महक खलूस की सादगी गुबार में है, महक खलूस की इस सादगी गुबार में है, मोहब्बत आज भी जिंदा मेरे दयार में है। उस मोहब्बत को कायम और दायम रखा जा रहा है। एक और बल्ला चला है शब्द आलम का, एक टप्पे के बाद बाउंड्री लाइन के बाहर है या छह इशारा नावा की, चार का इशारा आ रहा है अंपायर अबू जर का और चार के साथ स्कोर कार्ड पहुंचा है 47 रन। अब मात्र 12 रन की आवश्यकता है और किसी वक्त में मैं बताऊं जनाबे कैफी आजमी ने जो एक गीत लिखा था, उस गीत की वजह से पूरी दुनिया में जाने और पहचाने जाते हैं और उस गीत को आज भी गुनगुनाया जाता है, उस गीत को आज भी बहुत ही प्यार दिया जाता है। वो गीत कौन सा था मैं अपने तमाम नौनिहाल बच्चों को बताऊं, आपने बहुत बार रेडियो टेलीविजन पर मोबाइल पर सुना होगा, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इस गीत को लिखा था इसी आजमगढ़ के मिट्टी से जन्मे कैफी आजमी ने। ये मुकाबला आज उन्हीं के दयार में चल रहा है। अगले गेंद के साथ तैयार बैहक के बल्लेबाज असफर का बल्ला बोला है, फ्लिप के अंदाज में खेला है, क्या प्यारा शॉट। अरसलान क्या कहेंगे शॉट के बारे में, क्या लग रहा है कौन सा शॉट है आपके हिसाब से? 7 या 8 गेंदों में 7 रन की और जरूरत होगी। ये अरसलान बता रहे समझ से बाहर शॉट है, हेलीकॉप्टर भी नहीं कह सकते, फ्लिप शॉट कह लिया जाए। फिर से उसे अंदाज ले लीजिए, मुकाबले को खत्म कर दिया है और टूर्नामेंट की पहली डीपीएल कप की पहली टीम हसान एंड कंपनी टिकट ले लिया, पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। पहली टीम चाहता हूँ, जिस तरह से कमेंट्री होनी चाहिए उस तरह से नहीं कर पाया क्योंकि लगातार अकेले बोलना ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है और माइक भी ऐसे में साथ नहीं दे रहा है, कहने सुनने में अगर कुछ गलती हो। पहली टीम है जो पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में के साथ हसान एंड कंपनी अलाउद्दीन सुनने वालों को लाभ। तो कल के दिन जागापुर, राजापुर, सिखरौर, खंडवारी, केकेआर, नसीरपुर, हेतासराय, मंजीर पट्टी और कोई टीम मुंडियार, ये सारी टीमें कल मुकाबला खेलेंगी। देखते हैं कौन सी वो टीम और होगी जो सेमीफाइनल तक पहुंचती हैं, फिर उसके बाद कौन वो टीम है जो फाइनल फर्स्ट आएगी 50,000 लेके जाएगी और दूसरी टीम 35,000 लेके जाएगी, ये पता चलेगा कल आपको हमारे ही पेज से। लाइव जुड़े रहिएगा। जी भाई, कल फाइनल मुकाबला है, कोशिश बस ये रहे आप लोगों से एक गुजारिश है कि कमेंट बहुत ज़्यादा जब ज़रूरी हो तभी करें, क्योंकि बहुत से लोग मुकाबला देखते हैं तो उन लोगों को डिस्टर्ब होता है अगर मैं बार बार बोलता हूँ तो।
और कोई अगर जवाब नहीं पाता है तो उसको भी बुरा लगता है। तो कमेंट अगर कम आएगा तो अच्छे से मैच का मज़ा भी लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। अगर ये मुकाबला आपको पसंद आया हो तो आप इस मुकाबले को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लाइव जुड़ने के लिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ भाई। Yeah.